लिटरली ये जो तुम दोस्त 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 करते हो ना कि मेरा दोस्त ऐसा है, मैं दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस दोस्त के लिए तुम आज अपनी नमाज छोड़ रहे ना, उसने कयामत के दिन तुम्हें देखना भी नहीं है। लिखवा लो। तो पहले ही बता दिया था कि नफसी नफसी का आलम होगा हर जगह। कयामत के दिन तो होगा कि भाई इसकी ने क्या मुझे मिल जाए, मैं जन्नत में चला जाऊँ। कौन दोस्त, कौन बेटा, कौन माँ, कौन बाप? हमें दोस्तियाँ बहुत अजीज़ हैं। हमने दोस्त की खातिर अपने माँ बाप से झगड़ा कर लिया, हमने दोस्त की खातिर हराम रिलेशनशिप में इंडल्ज होकर देख लिया और सब कुछ ख़राब कर दिया। हमने दोस्त की दोस्ती की खातिर अपनी नमाज़ें ज़ाया कर दी। कोई बात नहीं, मेरा दोस्त नहीं पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ा, हमने वहाँ घूमने जाना तो नमाज़ नहीं पढ़नी। दोस्त ने साथ नहीं होना आपके, इस बात को दिमाग के अंदर बिठा लो कि वो दोस्त साथ नहीं होगा। बाद में जब अल्लाह सवाल करेगा ना, हाँ भाई तुम कहाँ थे, तुमने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी, अल्लाह मैं तो दोस्त के साथ था, उसके साथ घूमने गया हुआ था, ये जवाब पेश नहीं होंगे वहाँ पर। फिर आप दोस्तियाँ रखें, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, उनको भी लेके जाएं, आपके लिए सदका जारिया बनेगा। ये दोस्त ऐसे बने जो आपको अल्लाह के करीब करें, बस।